चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है अभी समर सीजन चल रहा है और समर में हमारी स्किन काफ़ी टैन हो जाती है और टैन को रिमूव करने के लिए हम कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारी स्किन पर उल्टा रिएक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए घरेलू उपटन का रिव्यू लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है आपके लिए उसको बनाना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स फेस मास्क बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी वो इस तरह से हैं, देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक से डेढ़ चम्मच बेसन लेंगे जो कि इजीली हर किसी के घर में मिल जाता है। और उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पर आमा हल्दी। आमा हल्दी एक उपटन वाली हल्दी होती है जो कि हम घर में जो नॉर्मल हल्दी इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स उससे थोड़ी सी अलग होती है। ये थोड़ी सी मोटे फॉर्म में होती है और इसका कलर नॉर्मल हल्दी से डार्क होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो चुटकी आमा हल्दी इसमें डाल दी है। एक से डेढ़ चम्मच बेसन मैंने लिया है और दो चुटकी हमने इसमें आमा हल्दी का डाला है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें एक चम्मच दही का ऐड करेंगे। इसमें मैं थोड़ा और ऐड करूंगी। एक फुल चम्मच आपको इसमें दही का ऐड करना है। दही आप नॉर्मल घर की भी ले सकते हैं और मार्केट की भी ले सकते हैं लेकिन घर की होगी तो ज़्यादा बेस्ट होगी। यहाँ पर मैं मार्केट की ले रही हूँ। एंड उसके बाद में आपको इसमें हनी लेना है। आधा चम्मच हनी आपको इसमें ऐड करना है। हनी यहाँ पर मैं पतंजलि का ले रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का आप हनी ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स हमारा ये जो मास्क है वो तैयार हो चुका है स्किन पर अप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको ये अपने स्किन पर लगा कर के दिखाऊंगी और इसका बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट आपके सामने होगा। तो फ्रेंड्स मैं चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपना फेस मास्क अप्लाई कर रही हूँ और आप सभी के सामने। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही स्किन पर छोड़ देना है और मैं मिलती हूँ आपको इसे वॉश करने के बाद। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको रिमूव करके बताती हूँ। आफ्टर फेस वॉश के बाद में मेरी स्किन आप देख सकते हैं इस फेस पैक से आपकी स्किन पर जो भी टैन आया हुआ है समर के सीजन में वो सारा आपका चला जाएगा और आपको एक इंस्टेंटली ग्लो भी आपको ये फेस पैक देगा। और इसके इंग्रेडिएंट हर घर में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं तो इसको बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आप देख सकते हैं मेरे फेस पर ग्लो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाय बाय।